कार्तिक, कृति एंड पंकज जी, आपसे सवाल है मेरा कि हमने ट्रेलर तो देखा, वो तो बहुत बढ़िया था। पहले ये बताइए, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्रश होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगी, और उससे उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए समहाउ? हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको बचाया हो, डैडी से कुछ समथिंग लाइक दैट, कि सामने वाले की मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हो। आप तीनों से जानना चाहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? इसके पास तो बहुत सारे किस्से होंगे, बोल। मम्मी पापा भी यहीं मेरे बैठे मम्मी हैं। पापा यहीं बैठे हैं बाय द वे। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने यार। और यार सबसे ज्यादा पापा गिगल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पापा बहुत लिव इन रिलेशनशिप नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी को ना बहुत चीजें पता है मेरी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की। और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड जब भी मैं रिलेशनशिप में होता हूँ तो वो उससे ज्यादा दोस्ती कर लेती है, और बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी वो दोस्त रहती है। तो एक ऑकवर्डनेस हो जाती है मेरी मेरी मम्मी और मेरी गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में। तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है। लिव इन का कभी मामला आया नहीं है, एक्सप्लोर करना चाहूँगा। कार्तिक जी एंड हाय हाय जी, कृति हाय सर। सैनन जी, आपके लेफ्ट में यहाँ अरुण। अरुण, अरे अरुण, अरुण। सवाल ये है कि ये कुछ पूछेगा। आप लोग इतने पॉपुलर हो चुके हैं, आप सभी की फिल्में लोग बहुत ही लाइक करते हैं, आप सभी जहाँ भी जाते हैं फैन फॉलोइंग अपने फैन के बीच में घिर जाते हैं। रियल लाइफ में कभी शादी करने की आप लोगों ने सोची? क्योंकि माहौल भी अच्छा बना दिया आप लोगों ने। इसका फैन से लेना क्या है, घिर जाते हैं फैन से? तो इतने पॉपुलर भी हो चुके हैं, तो अब शादी, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप कोई जो होता है स्टेप है शादी कि का, पॉपुलर होने के बाद शादी करनी है? तो ऐसा मतलब अरुण के दिमाग में शादी ही चल रही है तब अभी यहाँ बैठ के गए हो, तो तुम ज्यादा शादी शादी वाला उतावले हो रहे हो। कृति, तो आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? हाँ। अरुण पूछना चाहते हैं। मैं ऑफ कोर्स आई बिलीव इन मैरिज एंड आई वुड वांट टू गेट मैरिड एट सम पॉइंट, बट राइट नाउ आई थिंक चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड ना। कार्तिक जी मेरे बारे में ही बोल रही थी कि चाइल्ड मैरिज इज नॉट अलाउड। अच्छा, और एक मेरा एक किस्सा है छोटा सा, कि जब जो मेरी अभी पत्नी है उन्हीं से मेरा प्यार शुरू हुआ था कुछ 20 साल पहले। तो मैं गांव गया, मैं गांव कम जाता था, मतलब दिल्ली में पढ़ाई के लिए आ गया था। तो एक 1.5 साल के, 1 साल के गैप में छुट्टियों में गांव गया, तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम्हारा किसी लड़की से कुछ चालू हुआ है? वो बिल्कुल देहात की महिला है, वो गाँव की। मैं बोला इसको कैसे पता है, ना हम कभी बताए ना जाने। बोले तुम्हें कैसे मालूम है? नहीं तू बता पहले, हुआ या नहीं है कुछ। मैं बोला तू पहले बता, तुझे कैसे मालूम है? तो बोली हनुमान जी मेरे सपने में आए थे और बता दिए कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर रहा है, तो खबरदार तुम बता देना मुझे। तो अक्सर मेरे माँ के सपने में हनुमान जी आते थे और कोई डिटेल बता के चले जाते थे।